हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीस ब्लॉग्स में, और मैं हूं दीपाली शर्मा। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, लेकिन मैं चाय नहीं बना रही हूं। मैं यहां पर बना रही हूं मेहंदी के लिए पानी, जो मैं बनाऊंगी चाय की पत्ती से। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ चाय की पत्ती को उबाल लिया है, अच्छे से बॉईल कर लिया है इसको। इसका पूरा कलर इस पानी में आ गया है, और फिर मैंने इस पानी को डाल दिया है मेहंदी में। और जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना डालिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा डाला है अभी, जितने फिर मुझे ज़रूरत होगी फिर मैं डालूँगी इसमें बाद में। और मैंने इसमें डाला है यहाँ पर 2 स्पून दही, क्योंकि दही भी हमारे जो बालों को बहुत ही स्मूथ बनाता है, हेल्दी होता है। तो इसलिए मैंने दही डाला है, और इसमें मैं 1 नींबू डालूँगी। तो यहाँ पर मैं नींबू और दही इसमें मिक्स करना है। दही मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें नींबू डाल दूँगी। और नींबू डालने के बाद जितना भी इसमें अगर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इसमें चाय वाली जो पत्ती का पानी जो मैंने उबाला हुआ है उसको मैं थोड़ा सा और डालूँगी। और थोड़ी देर मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी। मैं रात में भिगोना भूल गई थी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह इसको भिगो रही हूँ। और 4-5 घंटे में ही अच्छे से भीग जाएगी, और लोहे की कढ़ाई में इसको भिगोना चाहेंगे, जिससे कि मेहंदी में काला कलर आ जाता है, ब्लैक कलर। और यहाँ देखिए मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग फाइनली घर जाने वाले हैं। होली से अब जाने का मौका लगा है, तो अभी फिर मैं तैयारी कर रही थी। कपड़े मुझे रखने थे उन्नति के पापा के और अपने, तो मैंने फटाफट से पैकिंग जो भी थी, छोटी मोटी बड़ी बड़ी जो पैकिंग होती है ना, तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े जो बड़ी बड़ी पैकिंग है वो सारी करनी है मुझे। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं दोनों, और नीचे भाभी की बेटी भी आ जाती है खेलने के लिए उन्नति के साथ। उन्नति भी नीचे चली जाती हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रही हैं, और यहाँ पर मैंने सारे अपने जो कपड़े हैं वो पैक कर लिए हैं, छोटे मोटे जो भी रह गए हैं फिर वो मैं करूँगी। और यहाँ पर मैंने उन्नति का हॉर्लिक्स रख लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेन पीती है जो कि पिस्ता बादाम वाला, वो मैंने एक छोटी सी शीशी में करके रख लिया है, शहद वाली में, हनी की जो आती है। और यहाँ पर उन्नति के सारे जो कपड़े, उन्नति के बहुत कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत गंदे करती है, तो इसलिए। और यहाँ उन्नति के पापा के कपड़े मैंने अलग से बैग में करके उनके पिट्ठू में रख दिए हैं, क्योंकि उनका बैग अलग ही चलता है। तो मैंने उनके सारे जितने भी कपड़े थे, पैंट शर्ट टी शर्ट, सारे कपड़े उनके बैग में कर दिए हैं, तो वो अपने कपड़े इजीली ले सकते हैं। तो मैं उनके हर बार ऐसे ही करती पैकिंग करती हूँ, उनके कपड़े अलग ही रहते हैं, इसमें उन्नति के कपड़े और मेरे कपड़े होते हैं एक बैग में। पूरा दीदी का आपका ब्लॉग में बहुत 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 धन्यवाद है। आज आप बड़ी सिस्टर से मिलिए, उसका नाम है पूजा बीड़ी। पूजा बीड़ी बहुत काम करती है, देखो हम भी पैक कर रही है, उसके साथ साथ में पैकिंग भी कर रही है, और देखो काम तो सारा करती है, झाड़ू पोछा सफाई। मैं इसकी काम वाली हूँ, मैं मम्मा नहीं हूँ, मैं इसकी काम वाली हूँ। मुझसे काम करवाती रहती है, ये कर दो वो कर। हेलो, तो मैं भी उन्नति को सुला रही थी, थोड़ी सी मुझे भी नींद सी आ गई। 3 बजे मैंने उसे सुलाया है, और टाइम हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं, और मैंने सुबह से मेहंदी लगा के रखी है कि मुझे लगानी है, बट तो मैंने आज सुबह से मेहंदी भिगोई हुई है, और मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों को कल निकलना है घर के लिए, तो सारी पैकिंग भी मुझे करनी थी। तो अभी छोटी मोटी रह भी गई है पैकिंग करने के लिए, क्योंकि उन्नति का बहुत सामान हो जाता है, और ये लगता है कि बच्चों की कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। कपड़े भी उसके बहुत हो जाते हैं मुझे रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत कपड़े यूज़ करती है, बहुत गंदे करती है कपड़े, तो मुझे उसका सामान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अभी हमें पता भी नहीं हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और उन्नति के पापा रुकेंगे नहीं रुकेंगे, या मुझे वहाँ छोड़ के आ जाएंगे, उनकी भी छुट्टी का कुछ नहीं पता है। फिलहाल हम लोगों को जाना था, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे। उन्नति भी कह रही थी कि दादी घर जाना है, नानी घर जाना है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़े दिन रह के आते हैं। अभी थोड़ा सा कोविड भी कम हो गया है, और हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं, क्योंकि कार से उन्नति बहुत दिक्कत होती है, बहुत वॉमिट होती है इसको, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये गाड़ी से,
फोर व्हीलर से, तो इस चक्कर में फिर ट्रेन हमने सर्च की, ट्रेन चल रही थी, सीट्स भी अवेलेबल थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो ट्रेन से चलते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। शाम की ट्रेन है 6 बजे की और वही सुबह 4-5 बजे पहुंचा देती है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है ज़्यादा, तो इसीलिए हम ट्रेन से ही जा रहे हैं फिलहाल तो। और अभी मुझे मेहंदी लगानी है सर में, क्योंकि पैकेट ले आए थे ये, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ, वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो मैंने सुबह से भगो के रखी है और मुझे मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही लगाने की, थोड़ी सी थकान हो गई है। तो यहाँ पर उन्नति अभी सो रही हैं, तो मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, 4:15 हो चुके हैं, फिर मुझे 2 घंटे बाद धोना भी है, तो मैं फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ और मेहंदी को फिर सूखने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ मेहंदी लग चुकी है मेरी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ किचन का काम कर लिया जाए, क्योंकि अभी मुझे इसको बहुत टाइम लगाना है, 2 घंटे करीब लगाना है मुझे इसे। तो मेरा ये दलिया रखा हुआ था, क्योंकि लास्ट मंथ हम लोग सामान लेके आए थे तो हमें शिफ्ट करना था, तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया था। तो अब हम घर जा रहे हैं, बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इनको रोस्ट करके रख दो तो लंबे टाइम तक चल जाती हैं, तो इसीलिए मैं इसको रोस्ट करके रखती रही हूँ। और यहाँ पर ये जवे भी रखे हुए थे, वैसे तो हम रोस्टेड ही लाते हैं, बट इस बार ये प्लेन लेके आए हैं, तो इसको भी मैं रोस्ट करके रख दूँगी, तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो हल्की गैस पे मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी, हल्का हल्का भून लूँगी इसे, जिससे कि ये ख़राब नहीं होंगे जल्दी और लंबे समय तक चल जाएंगे। ये देखिए मेरे जवे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, जिससे कि ठंडे हो जाएंगे, फिर मैंने डिब्बों में करके रख दूँगी। तो मैं अब आ चुकी हूँ नहा के, और मेरे बालों में कलर काफ़ी अच्छे से चढ़ चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ना, तब ज़्यादा पता चलेगा। तो अभी बज रहा है 7 बज रहे हैं, मैं करूँगी पूजा और फिर बनाऊँगी खाना पीना। उन्नति के पापा भी नहीं आए हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो चाय वाय देखते हैं क्या पीते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि कल की भी तैयारी करनी है, कल हम लोगों को निकलना है, तो सुबह से ही मेरी स्टार्टिंग हो जाएगी काम की, क्योंकि थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो पैकिंग है वो मुझे कल भी करनी होगी। तो चलिए फिर हम कल का देखते हैं, ब्लॉग बनाते हैं नहीं बनाते हैं, फिलहाल कोशिश करूँगी पूरी कि मैं बना पाऊँ, और फिर आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।